अभी आप देखेंगे साक्षात सेब पेड़ पर लटके हुए हैं, और ये रहा आपके सामने। अगर आप देखें तो हमने ग्रीस में वो पेड़ ढूंढ लिया। ये है हमारी बस, बस नंबर 79, जो आज पूरे दिन हमारे साथ रहने वाली है। और वो जो मोहतरमा आपको दिख रही होंगी वाइट ट्राउज़र में, डेनिम में और ब्लू टी शर्ट में, वो है हमारी टूर गाइड आज की। और बस में बोर्ड होते हैं और पहुंचते हैं और मंजिल पे। This is the bus. Same plane, route number. The Ottoman occupation, so we are talking about the 18th century. And actually, it is not quite sure when this monastery was built. They are saying from the 12th until 14th century, but most probably the 14th century. Now, as we said, a lot... So, आज हमारा पैकेज था बुक, जिसमें कि और पैकेज हमारा टूर था बुक, जिसमें कि हम लोग आज यहाँ के पुराने विलेजेस, माउंटेन्स और इनका कल्चर, मोनास्ट्री, ये सब देखने वाले हैं। और अभी हम अपने फर्स्ट साइट पे जा रहे हैं, जो कि है ग्रासिया विलेज। यहाँ पे वो गांव वुमेंस के लिए है ड्रेकिंग, और जहाँ तक मैंने सुना थोड़ा बहुत, लाइक वहाँ पे 3 या 6 नंस रहती हैं। तो जाते हैं, और एक पेड़ के बारे में बताया गया जो लगभग 2500 साल पुराना है। तो देखते हैं इस पे हमें और क्या जानकारी मिलती है आगे। सो अभी मैं हूँ ग्रासिया, जो यहाँ का एक विलेज है, कलमेरा टाउन करके एक जगह है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, इट्स लाइक अ रिजर्व। पहाड़ से 900 से पानी आता है, और ये पानी जब ये फ्लो होता था ओवर, तो यहाँ पे जो हौदे बने हुए हैं थोड़े छोटे छोटे छोटे, आप देखें, इन हौदों में पानी आता था। और पुराने टाइम में जो यहाँ की औरतें थीं, वो यहीं पे अपने कपड़े धोती थीं। तो अब तो खैर टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो चुकी थी, ऐसा कुछ है नहीं, बट ये अभी भी इन्होंने बचा कर रखा हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है ये पेड़, ठीक इसके अपोजिट में ये पेड़ 2500 साल पुराना है, और ये आज तक जिंदा है, आपके सामने खड़ा है। नॉर्मली पेड़ की जो एज होती है वो आप कवर कर सकते हैं उसके कटने के बाद, कि उस पर कितने राउंड्स हैं, क्योंकि एवरी ईयर पेड़ पे एक जो पेड़ कटता है उस पर एक राउंड सर्कल बन जाता है। तो जाहिर है कि अब इस पेड़ पे हम कैसे पता कर सकते हैं, तो फ्रांस की एक तकनीक से, लेजर तकनीक से ये पता किया गया कि ये कितने साल पुराना है। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है कि ये पेड़ 2500 साल पुराना है, विच यू कैन रीड इट हियर। इसको आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से मैं फुल व्यू लेता हूँ उस पेड़ का, ताकि आप लोग देख पाए कि ये लाइन लगी है अभी, ताकि लोग मोनेस्ट्री में अंदर जाएं। और यहाँ पे जो मैंने सुना कि जो फीमेल्स हैं उनको अपने पैर ढकने हैं नीचे से इज्जत देने के लिए। और ऐसा जो मैंने सुना, लाइक यहाँ पे पहले काफ़ी सारी नंस जो महिलाएं हैं वो रहती थी, बट अभी के टाइम पे 3 या 4 नंस हैं जिनसे आप चाहें तो हल्का फुल्का बात कर सकते हैं, बट उनकी परमिशन से। फिलहाल हम अंदर घुसते हैं और देखते हैं क्या। ये इनका एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, सीक्रेट स्कूल। बच्चे तो यहाँ पढ़ाएंगे। तो जो हमारे जैसे मित्र ने बताया, महिला मित्र ने, कि जब ऑटोमन साम्राज्य था यहाँ पर इस देश पे, तो वो ग्रीक लोगों को पढ़ने से रोकते थे। तो यहाँ पे जो उनके मॉन्क्स थे वो कोशिश करते थे कि उनको छुपा के मॉनेस्ट्री में, चर्च में या केव्स में पढ़ा सके। तो ये उनकी किताबें हैं जो वो उस समय छुप कर पढ़ते थे।
जानकर अजीब सा लगता होगा कि पहले कहीं पे भी लाइक आप किसी भी देश के बारे में बात करें, किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं इतनी बाधाएं थी लोगों की ज़िंदगी में जिनको जीने में दिक्कत होती होगी, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं संघर्षों के बाद। फिलहाल जो व्यू है यहाँ का वो काफ़ी सीनिक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक कैप्चर कर पाएँ। लोग कैंडल चला के यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अपनी मांगे अपनी फरियादें प्रभु से बोल रहे होंगे और ये मान्य तो खैर हर जगह ही है अपने अपने हिसाब से या अपने अपने कल्चर के हिसाब से। कोई कैंडल जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई पेड़ के चक्कर काटता है। काफ़ी अच्छा है ये सब यहाँ देखना। ग्रुप टूर में एक बात तो अच्छी है कि सारे लोगों को पंचुअल होना होता है। एक दो फिर भी लेट लतीफ़ निकल आते हैं फिलहाल, लेकिन मेरे साथ अब तक सारे लोग ऑन टाइम हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम ही 5 इंडियंस दिख रहे हैं, बाकी सारे यहाँ पे आपको पूरे दिखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे चर्च और म्यूजियम का, ये इसका एंट्रेंस पॉइंट है। और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी आसानी होती है अगर कुछ इंग्लिश में भी लिखा होता, बट कोई बात नहीं। एक चीज़ जो यूरोप की थोड़ी सी बेकार लगती है वो ये है कि सब अपनी नॉर्मल ट्रेडिशनल लैंग्वेज पर अटके हुए हैं। कुछ कुछ देश हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें इस चीज़ से, बट लगता भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो चलते हैं चर्च के अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ पे हिसाब किताब। और यहाँ पे सारे लोग प्रभु जीसस से अपनी रिक्वेस्ट लिख कर जा रहे हैं, जिस तरीके से जैसे मेरे दोनों दोस्त लिख रहे हैं। ये लिखने के बाद इस पर्च को चिट को वहाँ छुपा देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यह रास्ता मुझे लगभग एक्चुअली हम लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर हैं समुद्र तल से और अभी हम जा रहे हैं केव ऑफ ज्यूस, जिसकी एक कहानी है। फिलहाल मैं हाफ रहा हूँ और हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चढ़ चुका हूँ। ये हूँ मैं, रास्ता आपने देख ही लिया। तो इसकी जो कहानी है वो कुछ कुछ कृष्ण भगवान जैसी है। जैसे कृष्ण भगवान आए थे, उनसे पहले के जितने उनके भाई बहन थे उनको मार दिया गया था क्योंकि कंस जानता था कि कृष्ण जी उनका वध करेंगे कंस का। वैसे ही एक इंसान था उसका नाम मैं भूल गया हूँ,
उसको मारने की जो कोशिश थी वो केव ऑफ ज्यूस में हुई, क्योंकि वो जो बच्चा जो नरसंहार करने वाला था उसको गुफाओं में छुपाया गया, और अब जो बड़ा हुआ तो उसने बुराई का अंत किया। फिलहाल चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या है। एक सीधी चढ़ाई है जो लगातार हमें थकाने की कोशिश कर रही है, थक भी रहे हैं बैठ भी रहे हैं लेकिन जोश कमज़ोर नहीं हो रहा है। और एक और चीज़, ये देख रहे हैं आप, ये खच्चर डोंकी, इसको ये लोग टैक्सी बुला रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कोई इंसान सामर्थ्य नहीं है ऊपर तक जाने में तो ये टैक्सी लेकर आगे बढ़ सकता है। कुछ ऐसा नज़ारा आप इस ऊंचाई से देख पाएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ एक आर्ट कल्चर सेंटर पर, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लोग ग्रीक ऑलिव ऑयल और जैम को टेस्ट कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ कुछ कैसा है वो नज़ारा। सो यहाँ पे अगर आप देखें सारे लोग एक दो टेबल की तरफ, ऑयल है जैम है, दे आर जस्ट ट्राइंग। इफ यू लव इट यू कैन बाय इट। दमाओ कैसा दमाओ लमाओ। टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे ऑलिव ऑयल की और जैम की, और जाहिर सी बात है कि अगर अच्छा लगेगा तो लोग खरीदेंगे। हर जगह ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, बट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है कि आप टेस्ट कराएं और देंगे। सोच रहा हूँ थोड़ा चीज टेस्ट किया जाए। चीयर्स। मेरे पीछे अभी आप देखेंगे साक्षात सेब पेड़ पर लटके हुए हैं, और ये रहा आपके सामने। अगर आप देखें तो हमने ग्रीस में वो पेड़ ढूंढ लिया घूमते हुए जिसपे एप्पल लदे हुए हैं। इंडिया में अगर आप हिमाचल में हैं या फिर आप जम्मू कश्मीर में हैं तो सेब देखना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों में इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिलहाल जो कि हम ग्रीस में हैं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेब लदे हुए हैं। ये हैं ग्रीन एप्पल, जो कि त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए। सेब ही सेब। वाह, ये पूरे सेब लदे हुए हैं। सो टुडे इज 27th। अब मेरा टाइम हो गया है चेकआउट का, और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो मेरे प्रोसेस हो गए हैं यहाँ से, सिटी टैक्स मैंने पे कर दिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। ओ, चलते हैं अब यहाँ से और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस व्यू को अब हम बाय बाय कर देते हैं, आएंगे कभी और। तो क्रीट को अब बाय बाय करके हम चल देते हैं, एंड लेट्स गो। ये सारे लोग खड़े हैं अब बस के लिए, बस आई और हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट पे निकले। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ हरसोनिसोस के बस स्टेशन पे, जहाँ से बस आएगी और हम जाएंगे
तो बैठ गया हूँ मैं अब एयरपोर्ट पे। मैं फिलहाल अपने चेक इन काउंटर्स खोलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी जो फ़्लाइट है एयर सर्बिया की, वो यहाँ से ऑनलाइन चेक इन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें काउंटर पे आना पड़ेगा। सो थोड़ा मैं जल्दी आ गया हूँ। बाकी मेरा ग्रीस में अब सफ़र पूरा हुआ। मैं बैठा हूँ अभी क्रीट के एयरपोर्ट हिराक्लियन में, और कुछ देर बाद मैं यहाँ से बर्लिन के लिए डिपार्ट करूँगा। आप सबको अगर मेरा काम, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि मैंने सेंटोरिनी और क्रीट के बारे में जिक्र किया है, अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप वो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए जय माता दी।